बारिश के मौसम में अगर आप कोंकण रेलवे से सफ़र कर रहे हो तो सही मायने में जी रहे हो आप। पर फिलहाल आप स्क्रीन के सामने बैठ मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो अंत तक बने रहे, इन झलकियों से घर बैठे मौसम का फील तो ले ही सकते हो। रात के 10 बजे हमने मंगलोर एक्सप्रेस से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सफ़र शुरू की थी और अभी कुमटा पहुँचने वाले, 11 बजे हमें पहुँचना था लेकिन वन आर ट्रेन डिले तो हमें पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएंगे। उसके बाद हमारी रोड जर्नी स्टार्ट होगी जोग फॉल्स के लिए। इस बस में सवार होकर हमें सबसे पहले पहुंचना था जोग फॉल्स, दूरी 90 किलोमीटर की थी। घने कोहरे में खोई सड़क को ढूंढती ये जर्नी एक घने जंगल में आपको घुमाती है। ये टिकट काउंटर भी है, यहाँ पे पर पर्सन 10 रुपीज चार्ज करते हैं। अभी यहाँ से आगे निकलेंगे। कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पे स्थित ये वाटरफॉल वर्ल्ड फेमस है। इसकी खासियत यही है कि ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है। चार अलग प्रपातों से बना ये वाटरफॉल शानदार है। उन चार प्रपातों के नाम कुछ ऐसे हैं: राजा रानी, रोरर और रॉकेट। जोग फॉल से अभी दूसरा अट्रैक्शन हम कवर कर रहे हैं, उसका नाम है बंगारा कुसुमा वाटरफॉल। जोग फॉल से यहाँ तक की दूरी 40 मिनट की है लगभग, और यहाँ पहुँचने के बाद एक 5-10 मिनट का ट्रेल है जो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो आप, और यहाँ से जो ट्रेल स्टार्ट होगा। मेन वाटरफॉल यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, पर पानी का बहाव उफान पे था तो मैंने आगे ना जाने का फैसला लिया। उस दिन का नाइट स्टे मुर्डेश्वर में होना था। जोग से वापसी में पहले हमने बंगारा फॉल और फिर एक हैंगिंग ब्रिज को विजिट किया। बंगारा वाटरफॉल्स के बाद ये तीसरा विजिट हम कर रहे हैं हैंगिंग ब्रिज के लिए। इस हैंगिंग ब्रिज का नाम है सामशी हैंगिंग ब्रिज, और ये जो आप रिवर देख पा रहे हो ये शरावती रिवर है। ऐसे हैंगिंग ब्रिज हिमालयन रीजन में भी दिख जाते हैं, तो साउथ में भी देखे जा सकते हैं, पर मैंने साउथ में इतना लंबा हैंगिंग ब्रिज नहीं देखा। रात में मुर्डेश्वर पहुंच तो जाते हैं, पर मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है, तो हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग यहाँ चले आते हैं। दूसरे दिन हमने अर्ली मॉर्निंग शुरुआत की है। मुर्डेश्वर में हम शिवजी के दर्शन लेने आए हुए हैं। पीछे ये आप विशाल गोपुर देख सकते हैं, और यहाँ पे मुख्य मंदिर है, और यहाँ से आगे नीचे उतर के लेफ्ट लेते हैं तो भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है वहाँ पे। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। यहाँ पे जो गोपुरम है वो भी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा गोपुरम है। ये पूरा परिसर एक पहाड़ी पे बना हुआ है जिसके तीनों तरफ समंदर है। यहाँ के बिजनेसमैन आर.एन. शेट्टी ने ये सब बनवाया। आज ये एक धार्मिक स्थल के साथ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। इस मंदिर से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। गोपुरम के अंदर ये लिफ्ट है, इससे आप टॉप फ्लोर पे जा सकते हो, और टॉप फ्लोर से वहाँ से जो भी व्यू दिख रहा है आपको वो आप वहाँ से एंजॉय कर सकते हो। और इसका टिकट काउंटर यहाँ पे है, पर पर्सन 20 रुपीज़ टिकट है।
अभी अप्सरकोंडा वाटरफॉल के लिए आए हम। यहाँ पे ये आप आपका व्हीकल यहाँ पे पार्क कर सकते हो और यहाँ से आगे जाएंगे वाटरफॉल के लिए। वापसी की ट्रेन हमें गोकर्णा से लेनी होती है, तो मुर्डेश्वर से गोकर्णा जाते समय कुछ और पॉइंट्स हम कवर कर लेते हैं। मुर्डेश्वर से अप्सराकोंडा वाटरफॉल तक की दूरी 25 किलोमीटर है। अप्सराकोंडा का अर्थ होता है परियों का तालाब। यहाँ से हम गाड़ी पार्क करके आ गए थे, यहाँ से नीचे उतरने वाटरफॉल के लिए, और यहाँ से अगर सीधे निकलते हो तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत पार्क है जिसका एंट्री टिकट है 20 रुपीज पर पर्सन। हम पार्क में तो नहीं घूमे पर पार्क के अंदर से ही इस ट्रेल पे आ गए। इसकी मंजिल थी एक शानदार व्यू पॉइंट। वाटरफॉल के बाद हम पहुंचे इको बीच। मानसून में यहाँ बीच के अंदर जाने नहीं दिया जाता, पर यहाँ पे एक पार्क भी है। वक्त आपके पास हो तो आप पार्क एक्सप्लोर कर सकते हो। बीच से कुछ दूरी पे आप मैंग्रोव बोर्ड वॉक के लिए जा सकते हो। टिकट मूल्य 10 रुपए मात्र है। यहाँ पे आप मैंग्रोव के इकोसिस्टम को करीब से जान सकते हो। अभी हम मिर्जन फोर्ट पहुँचे। एक्चुअली ये आइटनरी में नहीं था, लेकिन हमारे पास टाइम था तो सोचा कि इसे भी कवर कर लेते। लगभग 10 एकड़ में ये किला बना हुआ है। ऊंची दीवारों के साथ ऊंचे बुर्ज यहाँ देखे जा सकते हैं। किले में एक मुख्य प्रवेश द्वार के साथ और अन्य 3 प्रवेश द्वार है। कहीं कुएं है तो गोलाकार खाई भी है। आज काफी हिस्सा खंडर बन गया है, पर किले को देख अंदाजा आ जाता है कि इतिहास में इसका अहम किरदार रहा होगा। वैसे इतिहास के पन्नों में इसके कई संस्करण हैं, जिसमें इसका निर्माण कब और किसने किया ये पता करवाना शायद एक पहेली है। अभी हम ओम बीच पहुँचे हुए हैं। गोकर्णा का ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, फेमस मतलब कि वर्ल्ड फेमस है। यहाँ काफ़ी सारे फॉरेनर्स आते हैं। अभी मॉनसून चल रहा है तो फॉरेनर्स तो नहीं रहेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट रहेंगे। इस बीच का अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो ये ओम के आकार में है, इसीलिए इसे ओम बीच के नाम से जाना जाता है। मॉनसून के बाद आप यहाँ आते हो तो गोवा वाली वाइब एंजॉय कर सकते हो। ओम बीच के बाद इस टूर का आखिरी अट्रैक्शन गोकर्णा का महाबलेश्वर टेम्पल था, पर यह मंदिर दोपहर में बंद रहता है तो हमारे दर्शन नहीं हो पाए। इस मंदिर के अंदर आत्मलिंग है। इस मंदिर की कहानियां मुर्डेश्वर से जुड़ी हुई है। टाइम पे स्टेशन पे तो पहुंच गए थे हम, लेकिन ट्रेन 1 घंटा देरी से चल रही है। ठीक है, लेकिन अभी ट्रिप में इतना मज़ा आया और कोंकण के स्टेशंस भी इतने खूबसूरत होते हैं कि यहाँ पे भी जहाँ पे भी नज़र घुमाओ हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी। तो जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक इस व्यू को तो इन्जॉय कर ही सकते हैं। तो ये मानसून टूर यही समाप्त हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।